ओके सर। चलो और बताओ, हम क्या सर आज प्रॉब्लम बोर्ड है पे नहीं होगा? बेटा? मुझे भी इसी पे बोला गया, कुछ इश्यू होगा, सभी बोला गया है। मेरी राइटिंग ठीक सर ठाक है वैसे। हाँ बोलो। सर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट से क्या मतलब है? सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि अगर फ्लावरिंग हुई है तो फ्रूटिंग भी होगी ही होगी, गारंटीड। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर हाँ ईटीएस ईटीएस में इलेक्ट्रॉन O2 से कंबाइन होता है कि H2 से? H2 तो कहीं है ही नहीं। ईटीएस में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन लेगा, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन का मालिक है। नहीं सर, लेकिन बुक में दिया है इन ईटीएस इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू H2। H2 लिखा है, हाइड्रोजन गैस वाला H2 वो जी सर। तो नहीं होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए बेसिकली। हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं, प्रोटॉन्स होना चाहिए ना? बुक में सर H2 दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 1990 का क्वेश्चन है ये। मतलब एनसीईआरटी में H2 लिखा है, किसी और बुक की बात कर रहे हो? दूसरे बुक में बोल रहा हूँ सर, गूगल पे भी सर्च किया दूसरे तो H2 दिखा रहा है, कुछ में O2 दिखा रहा है। गूगल पे तो मतलब अगर वो क्वेश्चन किसी और बुक का है तब तो कोई इश्यू नहीं है, तो आप छोड़ दो, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। देखो H2 नहीं होगा, या तो लिखा होगा दो प्रोटॉन मतलब 2H पॉजिटिव। H2 लिखने का मतलब है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस तो कहीं नहीं है ना यहाँ पे। नहीं लेकिन गूगल वगल पर भी H2 ही दिखा रहा है। H2 नहीं होगा, O2 के साथ ही आएगा। आपको आप एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, हालांकि वो प्रोटॉन को भी लेगा, H पॉजिटिव भी लेता है और इलेक्ट्रॉन भी लेगा, तभी वो ऑक्सीजन से आगे जाके वाटर का मॉलिक्यूल बन पाएगा, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे। हमें एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है, गूगल या किसी और बुक का है तो वो छोड़ सकते हो उसको। सर प्रूनिंग ऑफ टी से क्या मतलब है? प्रूनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप यंग टी लीफ को रिमूव करते हो, कि पौधा छोटा छोटा होगा तो ऊपर से उसकी टिप्स को तोड़ देते हैं, उसको प्रूनिंग बोलते हैं। प्रून करने का मतलब ऐसे होता है छटाई करना, कटाई छटाई करना, कटिंग एंड प्रूनिंग कहलाता है एग्रीकल्चर टर्म्स में। तो प्रूनिंग का मतलब है छटाई करना, मतलब आपकी उसकी टिप्स जो बड्स निकल रही हैं उनको तोड़ देना, तो वो प्रूनिंग कहलाता है। अब चाय के पौधे में तो कॉमन है प्रूनिंग, बिकॉज जो टी बनती है, टी जो मार्केट में आती है वो लीफ से ही आती है, प्रूनिंग से ही बनाई जाती है। पहले प्रूनिंग होगी, बाद में प्रोसेसिंग होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? फोटोपीरियोडिज्म तक कर लिया था है ना? सर पीछे आज आपका घर है क्या? क्या है? नहीं मेरा घर नहीं है बेटा, ये तो कुछ और इमेज लगी होगी। मेरा घर नहीं है, मैं तो स्टूडियो में बैठ के क्लास ले रहा हूँ। हाँ आज बोर्ड काम नहीं कर रहा शायद, इसीलिए क्लासेस इस पे हो रही है। टॉपिक आई थिंक हमें फोटो पेराडिज्म हमने कर लिया था, वर्नलाइजेशन करना है, फटाफट खत्म करके अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वर्नलाइजेशन पूरा करना सर है। सर प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है या डिटर्मिनेट होती है? कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं कुछ। नहीं प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है नॉट फिक्स्ड, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, कभी भी ग्रो कर सकते हैं। डिटर्मिनेट का मतलब होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है? फिक्स, कि हमें यही करना है। तो जैसे एनिमल की ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट कहलाती है, प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। हालांकि बुक में लिखा है कि वो जनरली इनडिटर्मिनेट है, मतलब देर आर द फ्यू केस जहाँ पे पता है कि ग्रोथ इनडिटर्मिनेट नहीं होती, बट आपके लिए यही आंसर है कि प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट टाइप की। ओके सर। ठीक है, हमने पिछली क्लास में फोटो पीरियडिज्म पढ़ा था, तो फोटो पीरियडिज्म का मतलब ये हुआ कि फ्लावरिंग पे फोटो पीरियड, हालांकि जब बाद में देखा तो कहीं पे फोटो पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, और कहीं पे डार्क पीरियड या जो नाइट पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। बट एनी हाउ जो भी रिलेटिव डे या नाइट की लेंथ का है रेशियो, फ्लावरिंग पे जो इम्पैक्ट आता है उसको हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। तो जैसे लाइट का फ्लावरिंग पे फर्क पड़ रहा है, इसी तरीके से टेम्परेचर का भी फ्लावरिंग पे इंफ्लुएंस आता है। और इस चीज को आप क्वालिटी से भी देख सकते हो, मतलब फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। क्वांटिटी से भी देख सकते हो कि लाइक एक प्लांट को आपने लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया तो उसमें जो फ्लावरिंग है वो एक लेवल से बहुत ज्यादा हो गई। ज्यादा फ्लावरिंग का मतलब है सपोज टू बी कि ज्यादा फ्रूट भी बढ़ेंगे, ईल्ड जो है वो अच्छी मिलेगी, ये मान के।
तो जो लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर ही लेना है, हाई टेम्परेचर नहीं लेना है। तो लो टेम्परेचर को आप चिलिंग ट्रीटमेंट भी कह सकते हो। तो अगर आप वर्नलाइजेशन को डिफाइन करोगे तो ये लो टेम्परेचर या चिलिंग ट्रीटमेंट है ना, चिल करना है। अब ये कितना होता है, वैसे तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का है। हालांकि आइडियली अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केस में 4 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं, बट आप 0 से 10 ही याद रखिए जो एज पर एनसीईआरटी। और ये किस चीज के लिए देना है आपको, टू इनिशिएट एंड डेवलपमेंट, ऐसे लिख लीजिए, फॉर इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स का इनिशिएशन हो, फ्लावरिंग का इनिशिएशन हो और डेवलपमेंट हो, इस बात के लिए अगर आप लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देते हैं जो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। आगे हम कभी जेनेटिक्स में भी इन टर्म्स को पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नाम से आप समझ ही सकते हो। क्वालिटेटिव का मतलब होता है फ्लावर की क्वालिटी अच्छी है, फ्लावर की क्वालिटी का मतलब बड़े बड़े फ्लावर्स हैं इस तरीके से, और क्वांटिटेटिव का मतलब सिंपली फ्लावर का नंबर बढ़ रहा है। तो अगर लो टेम्परेचर देने से फ्लावर की क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई चेंज आता है तो उस इफेक्ट को आप वर्नलाइजेशन बोलते हो या सिंपली चिलिंग ट्रीटमेंट बोल सकते हो। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब आगे चलते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है। बेसिकली हमने जो कॉमन सी चीजें पहले उसकी बात कर दी, एडवांटेज क्या है इसको, हम कहाँ इसको यूज करने वाले। तो आपने पढ़ा था पहले भी कि देयर आर फ्यू प्लांट्स जो बाइनियल्स हैं, है ना, बाइनियल्स जैसे कैबेज एग्जांपल में था, है ना, हेमबीन, बीट रूट, है ना, ये कैरेट, ये सब बाइनियल्स हैं। हमने पढ़ा था कि बाइनियल्स को अगर हम एनुअल्स में चेंज करना चाहें तो कैसे करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो आपने लिखा था कि बाइनियल को एनुअल में चेंज करना है तो जीए का ट्रीटमेंट दे सकते हो। अगर आप जिब्रेलिक एसिड का दोगे तो आपने लिखा था कि उसमें क्या होगा, वो बाइनियल को एनुअल में चेंज कर देगा। जो जीए है वो वर्नलाइजेशन का भी सब्स्टिट्यूट बन सकता है। आप यही काम जो है वो 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देके भी कर सकते हो। यहाँ से भी बाइनियल से एनुअल्स बन सकते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि बाइनियल्स में जो सीड का फॉर्मेशन है वो सेकेंड ईयर के बाद आएगा, और अगर आपने 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देके ये काम किया तो जो सीड का फॉर्मेशन है वो विदिन 4 मंथ यानी पहले सीजन में ही मिल जाएगा। तो हम क्यों बाइनियल इसको यूज करते हैं वर्नलाइजेशन को, क्योंकि हम बाइनियल्स को चेंज करना चाहते हैं एनुअल्स में। बाइनियल्स जैसे शुगर बीट हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, हेमबेन हो गया, ये ऐसे प्लांट है जो पहले साल तो अपनी वेजिटेटिव फेज में रहते हैं, सेकेंड ईयर रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। अगर इनको आपने चिलिंग ट्रीटमेंट दिया तो इसमें क्या होगा, प्रोपेरियोटिक रिस्पॉन्स होगा, टाइम के हिसाब से क्या होगा, जो सेकेंड ईयर में होना चाहिए था वो फर्स्ट ईयर में हो जाएगा। लो टेम्परेचर जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जो काम या जो जीन्स का काम सेकेंड ईयर में था वो काम फर्स्ट ईयर में हो गया, तो उसके हिसाब से इसको यूज कर लिया। तो एक तो ये एडवांटेज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको समझोगे कैसे, इसको समझने के लिए जैसे एक एग्जांपल दिया है, जैसे हमारे पास कुछ प्लांट होते हैं, लाइक हम वीट मान लेते हैं, सबसे इजी आपके लिए यही है। हालांकि बुक में आपको वीट के अलावा आई थिंक शायद बार्ले मिल जाएगा, या एक पौधा राई का होता है, राई एक तरीके की ग्रास, इन प्लांट्स को भी आप देख सकते हो। अब इनमें खास बात क्या है कि जैसे वीट है तो वीट में दो तरीके की वैरायटी होती है, एक विंटर वैरायटी है और एक जो है वो स्प्रिंग वैरायटी है। ये दो वैरायटी है ना, जैसे हमारे यहाँ का मतलब, मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में विंटर, दिल्ली मतलब ये पूरा जो नॉर्थ वाला बेल्ट है, यहाँ पे विंटर कब लगाया जाता है, जाड़ों में लगाया जाता है, दिसंबर में, अक्टूबर में लगाया गया। होली में वो गेहूँ की बाली जलाते हैं, और अब जब कुछ टाइम के अंदर 15-20 दिनों के अंदर गर्मियाँ पड़ने लगेंगी, गेहूँ पक जाएगा, काट लिया जाएगा। तो हमारे यहाँ विंटर वैरायटी ग्रो किया जाता है। जो लोग हिल्स पे वीट को ग्रो कराते हैं, थोड़ा बहुत तो वीट का कल्टीवेशन जो है वो हिली एरियाज में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है, हिमाचल में भी होता है, तो वो जो थोड़ा बहुत वीट है वहाँ वीट कैसे लगाओगे, वहाँ पे तो जो अक्टूबर है नवंबर है वो तो चिलिंग होता है, स्नोफॉल हो रहा होता है, तो ऐसे केस में कैसे प्लांट ग्रो करेगा। तो वहाँ जो वीट की वैरायटी लगाई जाती है वो स्प्रिंग वैरायटी लगाई जाती है।
स्प्रिंग आएगा, उसके बाद समर आएगा, फिर ऑटम आएगा, फिर विंटर आएगा, ये चार सीजन की साइकिल चलती है। तो ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जो दोनों वैरायटी में प्लांट किए जा सकते हैं। अब स्प्रिंग वैरायटी को हम कब लगाते हैं? यूजुअली ऑफ नेम से इंडिकेट करोगे तो स्प्रिंग वैरायटी कब लगेगा? स्प्रिंग सीजन में लगेगा। स्प्रिंग सीजन में लगाया, समर में कुछ होगा नहीं, ऑटम आएगा और ऑटम के बाद विंटर आएगा। तो जो एट द एंड ऑफ द सेशन अगर बात की जाए तो वो ग्रेन जो है वो, यानी जो बीट के दाने हैं वो बन जाएंगे और पूरे ग्रोइंग सीजन के खत्म होने तक बीट आपको मिल जाएगा। लगाया स्प्रिंग में था, समर में कुछ हुआ नहीं, ऑटम में थोड़ा सा हुआ, बाकी मेन जब लो टेम्परेचर मिलेगा तो उसे मिलेगा विंटर में, और विंटर के खत्म होने तक वो आसानी से काम कर देगा। अब इसके दूसरे एंगल से अगर सोच के देखो कि अगर विंटर वैरायटी है, अगर विंटर वैरायटी को हम स्प्रिंग में लगा दें, विंटर वैरायटी यानी अक्टूबर में लगने वाली थी, उसको लगाया स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन में, यानी अराउंड मार्च में लगा दिया, फरवरी मार्च में, तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर विंटर वैरायटी को आप स्प्रिंग में लगा दोगे तो वो तो ठंडे में लगना चाहिए, आपने उसे गर्मी से पहले लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, सीजन खत्म होने तक क्या है उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं है। तो फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि वैरायटी विंटर है, उसे लगना चाहिए था दिसंबर में, उसको जब बनाया गया तो इस तरीके से बनाया गया कि वो विंटर में लगाया गया है, तो विंटर में उसके सीड्स ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, दिसंबर जनवरी के आसपास उसमें बाली आ जाएगी, मतलब उसका स्पाइक बन जाएगा, होली के टाइम पे स्पाइक्स में सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, अप्रैल के टाइम पे उसको काट दिया जाएगा, हार्वेस्ट कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो विंटर वैरायटी है उसे विंटर में लगा लो, जो स्प्रिंग वैरायटी है उसे स्प्रिंग में लगा लो। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि अगर विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में लगा दिया जाए, तो विंटर को अगर आप स्प्रिंग में लगाओगे तो सीधा सी बात है कि वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, उनसे ग्रीन प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑटम यानी कि विंटर से ठीक पहले, तो अगर आपने सितंबर में मान लीजिए ऑटम सीजन है तब आपने प्लांट कर दिए तो क्या होगा, बीट का सीड जर्मिनेट कर जाएगा, फिर उसके बाद तुरंत विंटर आने वाली है, विंटर में उसकी ग्रोथ होगी, स्मॉल सीडलिंग बन जाएगा, उसके बाद उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, और उसके बाद उसे जो है वो समर से पहले जो है वो हार्वेस्ट कर ली हो जाएगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे, ये लो टेम्परेचर किससे मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। विंटर सीजन में ये रेंज मिल रही है 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की, जो वीट बार्ले या राई जैसे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग के लिए चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये नेचर का एंगल है, ये एग्जाम्पल भी दिया है बट ये एग्रीकल्चर का है, तो आपको सिर्फ समझना है इस एग्जाम्पल को कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरीके की क्रॉप होती है, दोनों तरीके की वैरायटी होती है, एक विंटर और एक स्प्रिंग। विंटर को विंटर में लगा लो, स्प्रिंग को स्प्रिंग में लगा लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर विंटर को आपने स्प्रिंग में लगा दिया तो इशू आएगा, क्योंकि स्प्रिंग के बाद समर आएगा और समर में कुछ नहीं होगा, फिर ऑटम और विंटर में कुछ नहीं, बेकार हो गई भाई। जिस क्रॉप को लगना अक्टूबर में चाहिए उसे आपने और लगा दिया मार्च अप्रैल में, तो वो तो खेत घिर के बैठ गया, ना तो उसमें कोई फल आ रहा है, ना उसमें कुछ हो रहा है, ना उसमें कुछ आप और कर सकते हो खेती, तो बेकार हुआ। अगर आपके पास विंटर वैरायटी है और आपको अगर सेम सीजन में ग्रो कराना है, तो आप क्या करोगे, उस विंटर वैरायटी को स्प्रिंग की जगह ऑटम में प्लांट करोगे, ऑटम में सीड जर्मिनेट कर जाएगा, विंटर में वेजिटेटिव फेज होगी, फ्लावरिंग फेज आएगी, अगला स्प्रिंग आएगा, जाड़े के बाद जब फरवरी मार्च में स्प्रिंग सीजन आएगा, उसके बाद जैसे समर स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। सो दिस इज द केस जहाँ पे चिलिंग ट्रीटमेंट नेचर ने प्रोवाइड किया। अगर हम चिलिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फिर आप बायनियल को एनुअल में चेंज कर ही सकते हो, चिलिंग ट्रीटमेंट देके आप ये काम कर ही सकते हो। चिलिंग ट्रीटमेंट आप किसको दोगे, जैसे आपने पढ़ा था कि हम जब फोटो पीरियडिज्म में मैंने बताया था कि लीफ क्या करती है, वो रिस्पॉन्स लेती है, लीफ क्या करती है, वो रिस्पॉन्स लेती है, वो आपकी लाइट की जो रेज है, जो फोटो पीरियड है, उसको कैप्चर करती है। परसेप्शन ऑफ लाइट जो था वो कौन, किसने लिया, लीफ ने लिया। ऐसे ही जब आप ये वर्मिलाइजेशन करोगे तो इसमें जो ये चिलिंग ट्रीटमेंट है ये किसको दोगे, पूरे खेत को थोड़ा ट्रीटमेंट दोगे आप, ये चिलिंग ट्रीटमेंट किसको दोगे, ये आप सीड्स को दे सकते हो, सीड्स के अंदर एम्ब्रियो को दे सकते हो, जो बड्स होती हैं उनको दे सकते हो। तो दीज आर द प्लांट पार्ट जिनको ये चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जैसे आपने क्या किया, सीड्स लिए और उनको चिल्ड वाटर के अंदर डिप करके छोड़ दिया जाता है, तो 10-12 घंटे चिल्ड वाटर में पड़े रहेंगे, उसके बाद उन सीड्स को निकाला जाएगा और फिर उनको जो है वो खेत में बोया जाएगा। उस 10 से 12 घंटे जब वो चिलिंग वाटर में पड़े थे तो लो टेम्परेचर ने क्या किया, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो था
उसको इंड्यूस किया, उसको उसके जीन्स को इंड्यूस किया कि वो ये काम जल्दी कर रहे, मतलब फ्लावरिंग और जो डेवलपमेंट है, इनिशिएशन और डेवलपमेंट फ्लावर का है, वो जल्दी हो जाए, क्वांटिटी के हिसाब से भी ज्यादा फ्लावर्स बने और क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छे फ्लावर्स बने, यही वर्नलाइजेशन का रोल आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखने हैं बाइनियल एनुअल वाले जो केस के हैं, वो ये क्वेश्चन मिलेगा कि वर्नलाइजेशन क्या है, जीए का सब्सिट्यूट है। यही काम आप जिब्रेलिक एसिड से भी कर रहे थे, यही काम आप लो टेम्परेचर से कर सकते हो, कन्वर्जन ऑफ बाइनियल इनटू एनिमल्स। पर जब आप जीए से ये काम कर रहे थे तो आपने लिखा था कि वो बोल्टिंग इफेक्ट कहलाता है या रॉजेट हैबिट को ओवरकम करने वाली बात थी, वो टर्म यहाँ यूज नहीं होगा। लो टेम्परेचर से अगर ये कर रहे हो तो यहाँ पे बोल्टिंग इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, बोल्टिंग इफेक्ट जीए का ही आंसर करना है। पाइनियल से एनुअल करने में जो पर्पस है वो दोनों का अलग अलग है ना। वर्नलाइजेशन का पर्पस ये है, लो टेम्परेचर देने से फायदा ये होगा कि आपको सेम सीजन के अंदर सीड फॉर्मेशन मिल जाए, और जो जीए के काम करने का तरीका है वो उस जो कंडेंस्ड ग्रोथ हो रही थी जो रोजेट हैबिट थी प्लांट की, उसमें इंटर नोड इलांगेट कर दिया उसने, जिसकी वजह से पहले साल का जो काम था वो स्किप हो गया और सीधे सीधे दूसरा साल पहले साल में ही आ गया। तो दोनों के काम करने का तरीका है, दोनों का पर्पस अलग अलग है, लेकिन फाइनल रिजल्ट एक ही है, बाइनियल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनुअल्स आइदर यूजिंग जीए ट्रीटमेंट और यूजिंग वर्नलाइजेशन, या वर्नलाइजेशन एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट, ये लाइन भी हो सकती है। यहाँ भी बुक में दिया नहीं है बट देर इज ऑल्सो ए हाइपोथेटिकल हार्मोन वर्नलिन, जैसे आपने फ्लोरिजन पढ़ा था, हालांकि एनसीईआरटी में फ्लोरिजन भी नहीं था, यहाँ पे क्या है वर्नलिन है, ये भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अब एक टॉपिक छोटा सा आएगा इस चैप्टर में, सीड जर्मिनेशन एंड सीड डॉर्मेंसी। पहले समझ लो सारी बातें, उसके बाद इस पे आते हैं। हमारे पास एक सीड है, वी हैव ए सीड, बन गया सीड। कैसे बनेगा, फ्लावर बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बन गया। अब सीड से आने वाली जनरेशन यानी एक नई जनरेशन शुरू होगी, सीड जर्मिनेट करेगा, एक नया प्लांट बनाएगा। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, वो कंडीशंस जो आपको मैंने लिखाई थी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ, तो आपने वही लिखा था वहां पे, ये मान के कि सीड जर्मिनेशन एक तरीके का प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स है, तो हमने जो फैक्टर लिखे थे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, थोड़ी बहुत लाइट चाहिए, थोड़ी बहुत कुछ सीड्स हैं जिनके लिए लाइट जरूरी है, कुछ हद तक ग्रेविटी भी चाहिए, बाकी यही सब आपने पढ़ा हुआ था। तो वहां जो कंडीशंस पड़ी थी वो बेसिकली सीड जर्मिनेशन की थी। तो सीड को अगर आपको जर्मिनेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो देनी पड़ेंगी, या तो आप दो या नेचर का इंतजार करो, नेचर तो अपने हिसाब से कंडीशंस देगा, आप लैब में कभी भी दे सकते। तो अगर सीड को आपने जर्मिनेशन के लिए सुटेबल कंडीशन दी तो सिंपल सी बात है कि वो जर्मिनेट कर ही जाएगा, है ना। अगर सुटेबल कंडीशंस नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो जर्मिनेट तब तक नहीं करेगा जब तक कंडीशन सुटेबल ना हो जाए, और क्योंकि हम नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर में तो जो सीड जर्मिनेशन की सुटेबल कंडीशन है वो डिपेंडिंग ऑन द सीजन होगा। विंटर क्रॉप है तो विंटर में ही जर्मिनेट करेगा, समर क्रॉप है तो समर में ही जर्मिनेट करेगा, समर का विंटर नहीं कर सकते, विंटर का समर नहीं कर सकते। तो मान लीजिए एक सीड हमारे पास है, अब हमें यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर हम माने कि सीड जर्मिनेशन की जो कंडीशंस है वो अवेलेबल नहीं है, है ना, कंडीशंस फॉर इट्स जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के लिए इज नॉट सुटेबल, इज नॉट फेवरेबल, आर नॉट फेवरेबल। ऐसे केस में आप जानते ही हैं सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, है ना, इट डजंट जर्मिनेट। सीड में जर्मिनेशन
नहीं होगा, ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्योंकि सीड जर्मिनेशन को जो कंडीशंस चाहिए जर्मिनेट करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, दिस पीरियड इज कॉल्ड, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इस पीरियड को क्विसेंस बोला जाता है। ऐसे टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग विच सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट बिकॉज द कंडीशंस आर नॉट सुटेबल आर नॉट फेवरेबल, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्विसेंस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट का पीरियड बोलते हैं या क्विसेंस बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आएगी, मान लो आपने सीड के जर्मिनेशन की जो कंडीशन है वो सुटेबल कर दी, उसके बाद भी सीड जर्मिनेट ना करे, ना एक तो ये कि कंडीशन नहीं है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो कंडीशंस अगर मुझे नहीं मिलेंगी तो मैं सीधी सी बात है नहीं पढ़ाऊंगा। हर किसी को काम करने के लिए कुछ सेट ऑफ कंडीशंस चाहिए, वो नहीं मिलेंगी तो आप नहीं काम करोगे, नहीं मिली तो आप नहीं पढ़ा, मुझे नहीं मिली तो मैंने नहीं पढ़ाया। अब बात ये हो रही है कि जो काम करने के लिए सीटेड कंडीशंस चाहिए वो आपको दे दी गई, आप फिर भी काम नहीं कर रहे। अरे जहाँ पे गर्मी लग रही है, जब तक एसी नहीं चलेगा मैं नहीं पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगा जो भी है। ठीक है भाई, पेरेंट्स ने एसी दे दिया, अब तो पढ़ लो। अब भी आप कह रहे हो मैं नहीं पढ़ूंगा, आपने जो डिमांड की वो सारी पूरी हो गई, जो कंडीशन चाहिए वो दे दी गई, उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब आप एक ऐसे मोड में चले गए जहाँ पे आपको कुछ भी कर लिया जाए आप अपना काम नहीं करोगे। That period is called dormancy, या उसको हम बोलते हैं rest. तो dormancy या rest क्या होता है? वो situation है, वो conditions है, वो time period है, जिसमें germination के लिए जो चाहिए वो दे भी दिया गया, फिर भी seed germinate करके नहीं दे रहा। इसको लिखोगे कैसे? ये conditions मान लीजिए जो है वो conditions for germination आर फेवरेबल, इवन दैट सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो अब इस पीरियड को जब तक ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा ये क्या कहलाएगा? ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डॉर्मेंसी या रेस्ट बोला जाता है। पढ़ाने के लिए जो कंडीशंस थी मुझे दे दी गई, फिर भी मैं नहीं पढ़ा रहा, क्यों? क्योंकि मैं रेस्ट पे हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा। कंडीशन सुटेबल नहीं है तो दुनिया में कोई काम नहीं होगा, सीधी सी बात है। कंडीशन सुटेबल होने के बाद भी काम नहीं हो रहा, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सीड डॉर्मेंसी क्या है? सीड डॉर्मेंसी इज द मिनिमम टाइम पीरियड। सीड डॉर्मेंसी हमेशा मिनिमम होता है, मिनिमम पीरियड। जैसे कहते हैं ना, मैं अपना काम करते करते थक गया तो मैं कहता हूँ यार आधे घंटे मुझसे किसी कोई बात नहीं करेगा, कम से कम आधे घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो वो हाफ एन आवर मेरा मिनिमम पीरियड है जिसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहे आप कितनी भी मुझे मेरे लिए कंडीशन फेवरेबल कर दो। डॉक्टर्स होते हैं ना, तो कितना भी दे दो सर इमरजेंसी केस है देख लो, तो क्या होगा भाई, पैसे लेंगे, देख ही लेंगे, पैसे दे दोगे, पैसा कंडीशन है, पैसे दे दिया इमरजेंसी केस देख लिया। कुछ डॉक्टर्स और होते हैं यार सुबह से तो देख ही रहा हूँ, पैसे तो सबसे मिल रहे हैं, अब इतना थक गया हूँ कि अब नहीं देख सकता, आधे घंटे कम से कम मैं कुछ नहीं करूँगा। तो आधे घंटा क्या है? उसका रेस्ट पीरियड है। ऐसे सीड के लिए रेस्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं। सो सीड डॉर्मेंसी इज द मिनिमम टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट इवन द कंडीशन फॉर जर्मिनेशन आर फेवरेबल या सुटेबल, जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। तो ये डॉर्मेंसी या रेस्ट कहलाता है। अब ये होता क्यों है? यूजली ये होता है कि जो डॉर्मेंसी होता है वो एंडोजिनस होता है, इंटरनल होता है। मैं थक गया हूँ तो थकने के लिए कोई बाहर से रिस्पॉन्सिबल तो ना, मैं ही तो पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते थक गया इसलिए मुझे अब रेस्ट चाहिए। तो जो डॉर्मेंसी या जो रेस्ट होता है ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा एंडोजिनस कंट्रोल में होता है। इंटरनल कंट्रोल है ये, है ना। एंडोजिनस का मतलब इंटरनल लेवल, ठीक है।
और अगर कंडीशन ही फेवरेबल नहीं है, या लिखा है कंडीशन आर नॉट सेफ, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन तो बाहर की होती है, एक्सोजीनस हो गई, एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ये दो चीजें कह रहे हैं। तो डॉर्मेंसी क्या है, क्लियर हो गया? डॉर्मेंसी मिनिमम टाइम पीरियड है, उतना टाइम पीरियड दोगे तो कुछ नहीं होगा। इस बात को ऐसे समझो, गेहूं का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वीट मान लीजिए अभी अप्रैल में हार्वेस्ट होगा, ठीक, आ गया वीट। अब फार्मर को मान लीजिए वीट की क्रॉप चाहिए, तो पता है कि अब तो समर आ रही है, वीट तो विंटर क्रॉप है, तो समर में यानी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो सीधी सी बात है कि वीट का सीड अगर आप लगा भी दोगे जमीन में तो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जर्मिनेट करेगा विंटर में जाके। बट मैं ये कहूँ कि वीट जो 2022 में मेरे पास आया, अगर इसको मैं समर 2022 में लैब के अंदर लगाऊं, लैब में कंडीशंस फेवरेबल है, तो क्या ये जर्मिनेट करेगा? ये तब भी जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वीट के सीड का जो डॉर्मेंट पीरियड है वो 4 महीने का है। 4 महीने आप चाहे कंडीशन फेवरेबल दो या फेवरेबल ना दो, नहीं दोगे तो कोई भी जर्मिनेट नहीं करेगा, फेवरेबल दे दोगे ये तब भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो 4 मंथ्स का इसका डॉर्मेंट पीरियड है, 4 मंथ्स ओवर हो गए, इसके बाद मान लीजिए अप्रैल में हार्वेस्ट हुआ, तो मान लीजिए मई जून जुलाई अगस्त हो गया, आप सितंबर में लगाओ, सितंबर में नेचर में लगा दोगे तो भी जर्मिनेट कर जाएगा, लैब में लगाओगे तब भी जर्मिनेट कर जाएगा। अगर आप ये सोचोगे चलो इसको 2023 के अप्रैल में लगाएं तो क्या होगा, 2023 के अप्रैल में तो समर आने वाली होगी, तो कंडीशन तो फेवरेबल नहीं है, तो जर्मिनेट करेगा क्या? लैब में कर जाएगा, क्योंकि ये सीड 1 साल पुराना हो गया, डॉर्मेंसी तो 4 महीने का था, शुरू के 4 महीने छोड़ दो, उसके बाद आप चाहे फेवरेबल कंडीशन में लगाओ नेचर में तब तो कर ही जाएगा विंटर में, और अगर अनफेवरेबल नेचर में है तो आप लैब में फेवरेबल करके लगाओगे तो भी कर जाएगा, लेकिन पहले साल जो लैब में कंडीशन दोगे उसमें नहीं करेगा, बिकॉज वो 4 मंथ उसका डॉर्मेंसी या रेस्ट का पीरियड कहलाता है। तो सीड डॉर्मेंसी हमेशा मिनिमम टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग विच सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट इवन द कंडीशंस फॉर इट्स जर्मिनेशन आर फेवरेबल, इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी, एंड इट कम्स अंडर एंडोजिनस और इंटरनल कंट्रोल, है ना, ये इंटरनल कंट्रोल में आता है। बात पूरी हो गई? मान लेते हैं एक सीड था हमारे पास, तो ये इसका डॉर्मेंट पीरियड है, ये इसकी सीड की डॉर्मेंसी है। अगर ये डॉर्मेंसी है तो इसका मतलब ये जर्मिनेट नहीं करेगा। अब ये डॉर्मेंसी ओवर हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा, सीड इज लाइबल टू जर्मिनेट, डॉर्मेंसी ओवर कराने के बाद आप जर्मिनेट करा लो। अब क्या इसे आप कभी भी जर्मिनेट करा लेते हो? मान लीजिए आप अपने घर में बाजार से चने लेके आए और आपने स्प्राउट बनाने के हिसाब से सोचा, तो जो चने आपने 2022 में खरीदे तो वो क्या वो 2032 तक जर्मिनेट करने के लिए कैपेबल रहेंगे? क्या 10 साल किचन के डिब्बे में रखने के बाद आप 10 साल के बाद अगर उनको पानी में भिगोगे तो स्प्राउटिंग होगी? नहीं होगी। 4 साल के बाद होगी क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 2 साल के बाद होगी? बिल्कुल हो जाएगी। आज करेंगे तो हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। यानी कि सीड के जर्मिनेट करने का भी एक पीरियड है कि वो कब तक जर्मिनेट करेगा। डॉर्मेंसी तो मिनिमम पीरियड था, है ना, जिसमें जर्मिनेट नहीं करेगा, यहाँ तो जर्मिनेशन नहीं हो रहा। मैक्सिमम पीरियड जिसमें ये जर्मिनेट करने के लिए कैपेबल होगा, है ना, सीड जर्मिनेशन हो सकता है, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं सीड वायबिलिटी। हालांकि वायबिलिटी के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि वायबिलिटी मैक्सिमम टाइम पीरियड है ड्यूरिंग विच सीड इज एबल टू जर्मिनेट, और जर्मिनेट कराना है तो अंडरस्टूड है कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन आर फेवरेबल, कंडीशन तो फेवरेबल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप इसके बाद जाओगे तो फिर सीड कैसा हो जाएगा, नॉन वायबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट गया, चने खरीद के ले आया, घर पे लाके देखा कि यार स्प्राउट तो बन ही नहीं रहे, तो मैंने जाके शॉपकीपर को बोला, मैंने कहा तुमने यार बेकार के चने दे दिए, इसमें स्प्राउटिंग तो हो ही नहीं रही। रीजन क्या होगा, होंगे 10-15 साल पुराने। अब 10-15 साल पुराने हैं तो थोड़ा जर्मिनेट करेंगे। तो अगर
ग्रैम का सीड बना, तो एक तो वो टाइम होगा जिसमें आप कुछ भी कर लो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, दैट इज डोरमेंसी। ना करने के दो रीजन है, अगर एनवायरनमेंट की वजह से ये है तो क्विसेंस, और अगर इंटरनली ये रीजन आ रहा है तो डोरमेंसी। मान लीजिए डोरमेंसी पीरियड ओवर हो गया, अब ये कब तक जर्मिनेट कर जाएगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टाइम पीरियड, वो बन जाएगा सीड की वायबिलिटी। वो टाइम टू टाइम अलग अलग है, अलग अलग प्लांट का अलग अलग है। और उसके भी बाद अगर आप जाओगे सीड को लेके, तो सीड नॉन वायबल होगा, एम्ब्रियो एबॉर्ट कर चुका होगा, आप कितना भी अच्छी कंडीशंस दे दो सीड जर्मिनेट करके प्लांट नहीं बनेगा। तो डॉर्मेंसी और वायबिलिटी, ये दो टर्म्स के पैराग्राफ हैं जो आपको अभी पढ़ने हैं। पहले डॉर्मेंसी पढ़ते हैं, फिर आगे वायबिलिटी की बात करें। अब क्या रीजन है डॉर्मेंसी का, पूछा जाता है कि डॉर्मेंसी है क्यों, सीड क्यों जर्मिनेट नहीं कर रहा, कॉजेस क्या क्या है डॉर्मेंसी के। और फिर अगर हम डॉर्मेंसी को ब्रेक करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, मेथड्स टू ब्रेक डॉर्मेंसी। जैसा कॉज वैसा उसका सॉल्यूशन, है ना, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सेम नहीं हो सकता, यहाँ भी ऐसा ही है। डॉर्मेंसी जिस वजह से है अकॉर्डिंगली उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, उस वजह को नलिफाई करेंगे तो शायद डॉर्मेंसी टूट जाएगी। जैसे अब देखो, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनका सीड कोट बहुत हार्ड होता है, मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट है, इतना बड़ा, इतना ज्यादा हार्ड है कि हथौड़े मार के तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो पहला रीजन क्या है, मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट, मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट। मैकेनिकली रेजिस्टेंस का मतलब बहुत हार्ड है, जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा बादाम, देखा है बादाम, वो नहीं गिरी वाला, नहीं पूरा वाला, बहुत हार्ड होता है। अखरोट देखा होगा, सबसे इजी है, वॉलनट, बहुत हार्ड होता है, उसको तो हम दरवाजे के बीच में रख के तोड़ते हैं अपने घर में, नहीं तो फिर टूटा हुआ जो मार्केट से गिरी आती है वो ले आते हैं। तो अखरोट को अगर आप मिट्टी में दबा दें और सोचें कि अखरोट के सीड से अखरोट का प्लांट बन जाएगा, ट्री बन जाएगा, तो ऐसा होने में 14-15 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अखरोट का जो सीड कोट है वो इतना हार्ड है कि बैक्टीरिया और फंगी जब उसको डिकम्पोज करेंगे देन इट विल टेक मैनी ईयर्स टू डिकम्पोज। जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा, कॉटिलेडन या प्रिम्यूल रेडिकल बाहर नहीं आएंगे और एक प्लांट नहीं बनेगा। लेकिन नेचर का रूल है कि कुछ ऐसे सीड हैं जिनका जो सीड कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, मैकेनिकली रेजिस्टेंट है। अब इसको फिर तोड़ा कैसे जाएगा, मान लीजिए सीड तो मैच्योर है, बस खाली ये सीड कोट तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे? आप दो तरीके से तोड़ सकते हो, या तो फिजिकल ट्रीटमेंट दे दीजिए या केमिकल। फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, यूजिंग ए नाइफ, स्कैपल होता है, शार्प नाइफ, उसे चीरा लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। तो कट लगाना मतलब क्रैक लगाना है, आपने अखरोट को चटका दिया बेसिकली, और जब चटका के आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, उस क्रैक से वाटर अंदर जाएगा, पीछे आपने पड़े हुआ है, सीड कोट लिग्निन का बना होता है, इम्बाइबिशन कैपेसिटी होगी, फूलेगा, इम्बाइब करेगा वाटर को, स्वेल करेगा, स्वेल करेगा, अंदर से प्रेशर लगेगा, जो क्रैक पड़ा हुआ था वो क्रैक बड़ा होके अखरोट चटक जाएगा और फिर आराम से सीड जर्मिनेट कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, कि हम मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नाम क्या दिया, यूजिंग ए नाइफ। जब आप नाइफ को यूज करके कट मारते हैं, स्कैर चीरा लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्कैरिफिकेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैरिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन क्या है, मेकिंग ए स्कैर, है ना। क्यों हम स्कैर लगा रहे हैं, क्यों एक कट लगा रहे हैं, क्योंकि हमें मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट को ब्रेक करना है। या फिर आप केमिकल एब्रेसिव्स यूज कर सकते हो, देयर आर सो मेनी केमिकल्स जो एब्रेजन का काम करते हैं। एब्रेसिव्स का मतलब ये है कि जो रगड़ देंगे, तो आप सीड्स को उन केमिकल्स में डिप करोगे तो क्या होगा कि जो सीड कोट है वो
क्रैक्स उसमें भी पड़ जाएंगे, गल जाएगा बीच बीच में से, जैसे वो आता है ना सैंड पेपर आता है, रैग मार्क, किसी चीज को रगड़ दो तो खुरदरा हो जाता है, वैसे ही आते हैं। तो एब्रेजर्स, केमिकल एब्रेजर्स को यूज करके भी आप यही काम कर सकते हैं। तो अगर डॉर्मेंसी का रीजन ये है कि सीड कोट बहुत हार्ड है, इट विल टेक टाइम टू डीकम्पोज, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम सीड कोट को खुद ही तोड़ दें पार्शियली, और उसके बाद उसको हम मिट्टी में शो कर दें, बहुत जल्दी आपका एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। ये पहला मेथड कहलाता है। दूसरा मेथड क्या है, पहले कॉस्ट की बात करते हैं कि दूसरा कॉस्ट क्या है, फिर दूसरे मेथड्स पे चलते हैं। सेकंड कॉस्ट क्या है, ये सेकंड कॉज ये हो सकता है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ है ना, रूडिमेंट्री। सर हमने जो हार्मोन्स पढ़े हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? वो भी देंगे, वो भी एक मेथड हो सकता है, फिजियोलॉजिकली इमैच्योर कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट आएगा, बस इस वाले में हार्मोन काम नहीं करेंगे, पहले वाले में। अगर फिजियोलॉजिकली इमैच्योर एम्ब्रियो है, मान लीजिए किसी सीड के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया, जैसे कभी आपने सुना हो खेती बाड़ी होती हो कहीं नियर बाई, तो क्या होता है गेहूं को जब काट लेते हैं तो कहते हैं कि गेहूं को पका रहे हैं, धूप में पड़ा रहता है गेहूं, सूखता रहता है। सूखने का मतलब क्या है कि उस सीड के अंदर जो वाटर है ना वो एवोपोरेट करना है, ओवन में तो करोगे नहीं, कुंटल में गेहूं की पैदावार होती है तो धूप में ही करोगे, गर्मियां जितनी ज्यादा पड़ेंगी उतना एग्रीकल्चर के हिसाब से बेस्ट है, हमें गर्मी लग रही है वो एक रखना। तो उसमें क्या है कि अगर आप सोचे कि हम बिना सूखे हुए गेहूं को स्टोर कर लें, तो क्योंकि सीड्स के अंदर मॉइस्चर है, पता चला फंगल मॉइस्चर लविंग होती है, फंगी फंगी उसको अटैक करेंगे और पूरा गेहूं बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते इसमें, इस केस में सिवाय इंतजार करने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सीड में एम्ब्रियो इमैच्योर हुआ तो आप उसे जर्मिनेट करा के भी क्या कर लोगे, प्लांट तो तब भी नहीं बनेगा, बन भी जाएगा तो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज प्लांट तो इमैच्योर है। एम्ब्रियो मैच्योर होगा तभी तो प्लांट मैच्योर बनेगा, अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही पूरा नहीं हुआ तो ऐसे सीड को आप क्या करोगे। मान लीजिए जैसे होता है ना कि अगर प्री मैच्योर बेबी हो गया तो क्या करोगे, सिवाय इस बात के कि आप उसे इंक्यूबेटर में रख के इंतजार करो कि वो मैच्योर ना हो जाए, घर तो ना ले जा सकते हो, 7 मंथ का हो गया तो 9 मंथ के बराबर थोड़ा आपको लगेगा उसका जो मैच्योरेशन टाइम है वो, ठीक है मदर के वॉर्म में नहीं हो पाया तो लैब में होगा, कराना तो पड़ेगा ही आपको। तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, देर इज नो मेथड यूज फॉर ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, यहाँ पर डॉर्मेंसी को यूज करना, तब डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए कोई मेथड यूज नहीं करते। अगर डॉर्मेंसी का रीजन ये है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ तो सिवाय इंतजार करने के और कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा क्या हो सकता है, हो सकता है कुछ ऐसे सीड के अंदर केमिकल कंपाउंड है, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते, है ना, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स फॉर सीड जर्मिनेशन। अब इसमें कौन कौन से इनहिबिटर्स हो सकते हैं, इनहिबिटर्स हमारे पास अलग अलग है, इनहिबिटर्स हमारे पास अलग अलग हैं, जैसे फिनोलिक कंपाउंड ले लीजिए आप, सबसे इजी है, फिनोलिक्स हो सकते हैं, एबीए आपको पढ़ाया था, एब्सिसिक एसिड, तो सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है ना, यानी डॉर्मेंसी को रहने देता है, तो एबीए भी जो है केमिकल कंपाउंड है ना। या फिर आप जो है वो पैरा एस्कॉर्बिक एसिड ले सकते हो, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड्स ले सकते हो, टोमेटो के अंदर फेरुलिक एसिड होता है ये ले सकते हो, टमाटर में क्या होता है फेरुलिक एसिड होता है उसका भी सीड जर्मिनेट होता है, और भी दे रखे होंगे, काउ मेरिन भी ले सकते हो, दीज आर द केमिकल्स जो नॉर्मली सीड में प्रेजेंट होते हैं, और जब तक ये केमिकल्स हैं तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। अब डॉर्मेंसी को कैसे तोड़ोगे, अगर सीड जर्मिनेशन के इनहिबिटर प्रेजेंट है तो आप प्रमोटर दे दो, प्रमोटर इनहिबिटर्स को जो है वो काउंटर एक्ट करेंगे, है ना, नेगलीफाई कर देंगे, उसके बाद सीड जर्मिनेट कर ही जाएगा आसानी से। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रमोटर्स देने पड़ेंगे,
प्रमोटर्स हमें सीड जर्मिनेशंस के देने पड़ेंगे, है ना। अब प्रमोटर्स कौन से होते हैं, जो आपने भी जैसे एग्जांपल में क्या है, जीए प्लांट हार्मोन बोला, तो जिब्रेलिक एसिड क्या है, वो अल्फा माइलेज एक्टिविटी यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम की जो जीन्स है उनको टारगेट करेगा, एंजाइम्स बनने लगेंगे तो अपने आप सीड जर्मिनेट कर जाएगा। तो अगर सीड के अंदर मान लीजिए कोई केमिकल कंपाउंड है वो जर्मिनेशन नहीं होने दे रहा, तो आप क्या करोगे, सीड को ऐसे सोल्यूशन में डिप करोगे जिसके अंदर वो कंपाउंड होंगे जो जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। प्रमोटर और इनहिबिटर एक दूसरे से काउंटरेक्ट कर लेंगे तो सीड आसानी से जो है वो जर्मिनेट करके प्लांट बना पाएगा। तो आप जीए को यूज कर सकते हैं, या जीए नहीं है तो उसके अलावा फिर आप नाइट्रिक एसिड है, आप नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट्स को यूज कर सकते हैं, नाइट्रेट्स को भी यूज कर सकते हैं। तो जी और नाइट्रेट को यूज करके ये काम किया जा सकता है। ये क्या रहता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, चिलिंग ट्रीटमेंट दोगे। चिलिंग ट्रीटमेंट का मतलब वर्नलाइजेशन नहीं है, बस भाई 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप दोगे, चिलिंग ट्रीटमेंट देना है। इसके साथ ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट देना है, ठंडे पानी में डिप करना है जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन हो, वो आपको यूज करना है, और उसके बाद आपको सीड को लगाना है तो वो जर्मिनेट डेफिनेटली कर जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड, अगर नहीं चेंज हुआ, स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन अलग है और स्कैरिफिकेशन अलग है, दो अलग अलग चीजों। स्कैरिफिकेशन में आपको फिजिकल एब्रेसिव या नाइफ को यूज करके कट लगाना है, या केमिकल एब्रेसिव भी ले सकते थे, और स्ट्रेटिफिकेशन में आपको चिलिंग ट्रीटमेंट और ऑक्सीजन देनी है, तो एक एक लेयर टूट की जाएगी और सीधा आसानी से जर्मिनेट कर पाए। तो एज पर कॉस्ट थोड़ा जल्द से बताना केमिकल क्या बेटा, एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब वैसे तो होता है जो किसी भी चीज में खुरदुरापन लाते हैं, है? केमिकल्स केमिस्ट्री के कंपाउंड लेते हैं। केमिकल एब्रेसिव का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, ये केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स के साथ जब सीड कांटेक्ट में आता है ना तो सीड खुरदुरा हो जाएगा, जगह जगह पे उसमें दरारें या गैप्स या क्रैक्स पड़ जाएंगे, कहीं कहीं पे पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से एब्रेसिव है। जैसे आप अखरोट को लेके मान लीजिए सैंड पेपर पर रगड़ दो तो अखरोट खुरदुरा सा हो जाएगा, रगड़ोगे तो उसमें से कुछ तो लिग्निन कम हो जाएगा, लिग्निन कम हो गया तो यानी कि वो आसानी से कंपरेटिव है, आसानी से जर्मिनेट कर पाए। जैसे बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, आपने कभी सुना हो फाइकस जो होता है, स्पीशीज है फाइकस, सॉरी जीनस है फाइकस। तो फाइकस में क्या है कि फाइकस के जो सीड्स का जर्मिनेशन है वो तभी पॉसिबल होता है जब वो बर्ड की इंटेस्टाइन से गुजर जाए। अब रीजन क्या है, इंटेस्टाइन हाईली एसिडिक होगी और एसिड जो है वो एब्रेसिव का काम करता है। तो फाइकस के फ्रूट्स पे बर्ड्स फीड करती हैं, बर्ड्स क्या करती हैं, उन फ्रूट्स को खाती है, तो फ्रूट्स के अंदर जो सीड है वो बर्ड की इंटेस्टाइन से गुजरेंगी, इंटेस्टाइन में सीड इस केमिकल यानी एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा जो एब्रेसिव का काम करेगा, और फिर सीड बर्ड यूज नहीं करती, सीड का कुछ नहीं होगा, सीड बर्ड का जो फीकल पैलेट होगा उसी के साथ साथ जो सीड है वो नीचे जमीन पे गिर जाएगा, और फिर जब कभी भी मौसम सूटेबल हुआ, कंडीशंस फेवरेबल हुई, तो यही सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेगा। इसीलिए आपने नोटिस किया हो तो बहुत सारी जगह आसपास देखोगे नजर डाल के, तो कहीं पे पीपल का पेड़ उगाता है, कहीं पे बरगद का उगाता है। एक तो ये कि इतने बड़े बड़े ट्री है, हो गए कहाँ पे है, दीवार के बीच में से निकल आए, तो दीवार की जो ईंटें थी उनके बीच में से पीपल का एक पेड़ निकलता हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कभी फीकल पैलेट गिरा होगा, बर्ड्स हैं लाइक दिल्ली में आसपास पिजन बहुत हैं, तो कबूतरों ने क्या किया होगा, बीट किया होगा। अब उसमें हुआ ये है कि उस कबूतर ने जब कभी फाइकस का फ्रूट खाया होगा तो फाइकस का सीड उसकी इंटेस्टाइन से पास हुआ, उसकी इंटेस्टाइन में जो एसिड है वो एसिड एक एब्रेसिव का काम कर रहा है, वो सीड कोट जो रेजिस्टेंट था उसको तोड़ देगा, चटका देगा, रगड़ देगा, सो दैट सीड आसानी से जर्मिनेट कर पाए। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप मान लीजिए, ठीक है। नेचर में अगर एब्रेसिव है तो ये, और अगर लैब का एब्रेसिव है तब तो कोई बात ही नहीं है, सैंड पेपर है, रैग मार्क जो आता है, खुरदरा सा पेपर जो होता है,
है ना, उस पर आप सीड को रगड़ दीजिए, अपने आप जल्दी टूट जाएगा, जल्दी ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ये हमारा सीड डॉर्मेंसी और उसके बारे में बात होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमारे दो टॉपिक यहाँ पूरे करने थे, एक वर्नलाइजेशन और एक सीड डॉर्मेंसी। सीड वायबिलिटी में अभी ज्यादा कुछ नहीं है, सीड वायबिलिटी में आगे वाली क्लास में आप पढ़ोगे भी, आपको अगर वो याद हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, तो उसने बस दो नाम दिए हैं, सीड वायबिलिटी। जो मैक्सिमम सीड वायबिलिटी है वो किसकी है, वो एक ल्यूपिन प्लांट है, ल्यूपिनस आर्कटिकस, आर्कटिकस है ना, 10,000 ईयर्स, मतलब 10,000 साल के बाद भी सीड को लगा के देखोगे तो जर्मिनेट कर ही जाएगा। ऐसे एक दूसरा प्लांट दे रखा है, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, डेट पाम, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, इसका कितना है, 2,000 साल है लगभग। बुक में लिखा है कि जो ल्यूपिनस आर्कटिकस है वो आर्कटिक एरिया से निकाला गया था, फिनिक्स डक्टाइलिफेरा जो है वो किंग हेरोल्ड का जो पैलेस था वहां पे एक्सकेवेशन खुदाई चल रही थी, वहां से ये डेट पाम का सीड मिला। बाद में चेक करके पता किया गया तो पता चला हमें कि इसका जो वायबिलिटी पीरियड है, जो टाइम है, वो 2,000 साल, 2,000 साल के बाद भी आप अगर लगाओगे तो जर्मिनेट कर जाएगा। हालांकि नॉर्मली जो होता है वो लोटस का होता है 700 ईयर्स, ये दोनों तो खैर एज पर रिकॉर्ड हो गए, बट नॉर्मल अगर कहा जाए मैक्सिमम वायबिलिटी किसका है तो लोटस है, 700 ईयर्स, 700 सालों में कभी भी लोटस के सीड लगा दो, लोटस के प्लांट बन जाए। वायबिलिटी में और ज्यादा कुछ है नहीं। टेस्ट कैसे करते हैं वायबिलिटी में, वो सब आपके सिलेबस में है नहीं। ये तो सिंपल सी बात है कि सीड को लगा के तो नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर सीड को लगा के देखोगे तो सीड का स्टेटस तो खत्म हो गया ना। तो सीड को बिना लगाए अगर वायबिलिटी टेस्ट करनी है तो उसके लिए एक केमिकल टेस्ट होता है, उससे उस वायबिलिटी को चेक किया जाता है। डन। अब आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से सर वो पहले रह रहा था जो ट्रांसपोर्ट वाला। बेटा, मैं सोच रहा था कि बोर्ड ठीक हो जाए, बड़े बड़े फिगर आएंगे मिनरल ड्यूटी उसमें, तो बोर्ड पे करा दूंगा आपको। आई थिंक शायद अगले हफ्ते तक ठीक हो जाए, गूगल मीट की जगह है ओके सर। ना, इस पर डायग्राम बहुत अच्छा सा, स्पेस कम है ना, ये अच्छा सा नहीं बन पाएगा, ये कुछ आ भी रहा है ऐसा मोटा मोटा से लेकर, तो इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ थ्योरेटिक चीजें हैं तो कैसे भी याद कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एक जनरल ओवरव्यू सारे ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का है। बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, पांच किंगडम है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन बताओ, क्या बताई थी डेफिनेशन आपको लिविंग वर्ल्ड में, सबसे पहले पढ़ाया था रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या था, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। तो ईजी है, जल्दी कर सकते हैं। आपको मैंने रिप्रोडक्शन में जो ग्रोथ की प्रॉपर्टी, ग्रोथ के बाद सेकंड पैराग्राफ लिखाया था लिविंग की प्रॉपर्टी में, वो रिप्रोडक्शन ही था। तो रिप्रोडक्शन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे मल्टीप्लाई करता है वो उसका रिप्रोडक्शन। हालांकि एक प्रॉपर डेफिनेशन भी बताया था कि जो यहाँ इस चैप्टर में दी है, ये रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग प्रोसेस है, जिसमें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तो आएंगी, एक पेरेंट है वो ऑफस्प्रिंग में तो चेंज होगा, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी वो जेनेटिकली सिमिलर होनी चाहिए, जो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दो हॉर्स अगर मेट कर रहे हैं तो डंकी हो जाए, दो वीट के प्लांट पे अगर मेटिंग हुई है तो एक मस्टर्ड का प्लांट बन जाए, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको जेनेटिक्स में कॉन्सेप्ट से आप पढ़ोगे, लाइक बीगेट्स लाइक, मीन्स
एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस, ये एवरी प्रोड्यूसेस सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स को पैदा करता है। तो उसको लेटर एक छोटा सा स्टेटमेंट है, लाइक बीगेट्स लाइक, मतलब हम अपने जैसे ही होते हैं, ऐसे लगता है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, शॉर्ट में लिखेंगे तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे आप पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, ऑफस्प्रिंग्स बोल दीजिए या प्रोजेनी भी लिख सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन भी लिख सकते हो। तो ये ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी, ये आपस में सेम होनी चाहिए, सिमिलर टू इटसेल्फ, जेनेटिकली सिमिलर था, चाहे तो मोर प्रिसाइजली ये भी लिख सकते हैं, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑफ स्पीसीज, ये आपको याद है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्या बताया, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक बीगेट्स लाइक, जेनेटिक्स में। इसको आप दोबारा से भी पढ़ लोगे, लाइक बीगेट्स लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म यूज किए गए, एक तो दे रखा है लाइफ स्पैन, समझते हैं आप लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू सर नेचुरल डेथ। हाँ बेटा, सर एक बार लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब बताऊंगी। लाइक मतलब हम अपने जैसे, बीगेट्स मतलब होते हैं, हम अपने जैसे होते हैं, इसका मतलब अपने जैसे का मतलब क्या है, तो बायोलॉजिकली जेनेटिकली अपने जैसे होने का मतलब है having same type of genome, कि अगर होमो सेपियंस प्रोड्यूस करेगा तो होमो सेपियंस ही बनेगा, अगर हॉर्स है तो हॉर्स ही बनेंगे, अगर वीट है तो उससे वीट का प्लांट बनेगा, मस्टर्ड है तो मस्टर्ड बनेगा, तो हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बनाता है, ये सिंपल मीनिंग। ओके सर, थैंक यू। तो लाइफ स्पैन हो गया पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना, डेथ नेचुरल होनी चाहिए तो ही लाइफ स्पैन आएगा। अब जिन ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती वो कैसे हो जाएंगे, दे आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल, भाई उनकी कभी डेथ तो हो नहीं रही, अगर उनकी डेथ नहीं हो रही तो उसका मतलब वो इमॉर्टल कंसिडर किए जाते हैं, है ना, कभी ना मरने वाले। जैसे मान लीजिए कि जितने भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कौन कौन से आते हैं इसमें, अगर आपको याद आ रहा हो तो मोनेरा तो पूरा सिंगल सेल का था, बैक्टीरिया क्या हो, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा भी पूरा का पूरा सिंगल सेल का था, सिंगल सेल का यूकेरियोट था, फंगी में आपने लिखा था ईस्ट, फंगी के अंदर भी यूनिसेलुलरिटी आती है और फंगी में ईस्ट है तो इमॉर्टल कंसिडर होगा, और प्लांट किंगडम में आपने बहुत सारे लिखे थे, मैं एक लिख देता हूँ फ्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी था, फ्लोरेला भी था, एसिटाबुलेरिया था, और इसके अलावा क्लैमाइडोमोनास दिया हुआ है, सब सिंगल सेल के प्लांट में आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा रखा, जहाँ जहाँ यूनिसेलुलरिटी है ना, एनिमल किंगडम में आई थिंक, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है एनिमल किंगडम में आपको कोई भी एनिमल सिंगल सेल का नहीं पढ़ाया, पूरी फेरा से लेके कॉल डेटा था, एक चीज तो कॉमन है एटलीस्ट, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, मेटाजोआ के अंदर आ रहे हैं तो आपने अंडरस्टूड है कि वो मल्टी सेल के, चार ग्रुप हो गए। पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन कि कितने किंगडम ऐसे हैं जो इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं, इमॉर्टल मतलब ना मरने वाले, मतलब सिंगल सेल के, तो सिंगल सेल के किसमें हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया में कोई सिंगल सेल का नहीं है जो एवियन ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल कंसिडर होता है। ये तो एक ओवरव्यू हो गया, ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, सेक्शुअल और एसेक्शुअल, कंपेरिजन में कर लीजिए। सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे और होते क्या क्यों, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में क्या है, हमने कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फंगी में डिस्क्राइब किया था, फंगी पढ़ाए हुए महीनों हो गए बहुत पहले, सेकंड चैप्टर तब आप याद करो, तो फंगी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक था गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स फॉर्म्ड,
और दूसरा था गैमीट फ्यूज करेंगे, सिनगैमी होगा। सिनगैमी मतलब गैमेटिक फ्यूजन। तो जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये दोनों चीजें होती हैं, गैमीट बने और गैमीट फ्यूज करें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो कभी गलत नहीं होगी। बाकी जो भी आप लिखोगे सबके अपने अपने एक्सेप्शंस आते जाएंगे, इवन एनसीईआरटी से भी अगर जाओगे तो भी, एनसीईआरटी को डिटेल में अगर ले जाओगे तो एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, बट इस लाइन का कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर मान लीजिए गैमीट ना बने तो क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या गैमीट बन गए लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ तब क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऐसे केस में आंसर आता है नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रीलिम रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये कि इट इन्वॉल्व्स बोथ गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमेटिक फ्यूजन, सिनगैमी एंड मियोसिस। गैमीट कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। अब इनके कंट्रास्ट में बात करते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। चले तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बुक में लिखा है कि ये यूनिपेरेंटल होता है, कोई एक ही पेरेंट चाहिए। बात भी सही है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या दो पेरेंट चाहिए, नहीं। बडिंग वाली जगह हाइड्रा में हो रही है जो ए सेक्सुअल में आती है, तो क्या हाइड्रा में दो पेरेंट बडिंग करने के लिए चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, यूनिपेरेंटल होते हैं, एक ही पेरेंट उसमें होगा, इस टाइप के। इसके कंट्रास्ट में अगर आप बाई सेक्शन में लिखोगे तो क्या होगा, अंडरस्टूड है कि भाई बाई सेक्शन में दो पेरेंट चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या होगा, बाई पेरेंटल है ये। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों पेरेंट है वो अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, ऑफ अपोजिट सेक्सेस। ऐसा नहीं हो सकता कि बाई पेरेंट में आपने दो मेल ले लिया और सोचो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एक मेल का एक फीमेल के साथ जो होगा है वो क्या कहलाएगा, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब सोच के देखो कि क्या किसी यूनिपेरेंटल केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बताओ सोच के। हाँ यस, किसी को आइडिया, यूनिपेरेंटल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेरेंट एक बट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे प्लांट में होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फ्लावर यानी कि प्लांट तो एक ही है, जैसे आपने पढ़ा मान लीजिए इसके बाद जेनेटिक्स से पढ़ोगे आप कि प्लाज्मोगैमी है, प्लाज्मा का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म, गैमी फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी एंड मियोसिस, ये सब आपने कहीं पढ़ा हुआ था, मैंने प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, ये सब आपको फंगी में भी पढ़ाए थे। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पेरेंट कर दूं, टी का फ्लावर इमेजिन करो, टी का एक फ्लावर लिया आपने, अब टी के फ्लावर में आपको मान लेते हैं कि टी का एक फ्लावर लोगे तो प्लांट एक ही का रहेगा, यानी पेरेंट एक ही कंसिडर होगा, बट टी का फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल और वो कभी भी खुलता नहीं है, अगर पहले से आपको याद हो तो वो क्लिस्टोगैमस होता है, उसके बाद वाले चैप्टर में दिया। तो पी का फ्लावर अगर क्लेस्टोगैमस है दैट नेवर ओपन्स, तो यानी कि वहां पे जो मेल गैमेट है वो अपने ही स्टिग्मा पे लैंड करके फर्टिलाइज करके सीड बनाएगा। मटर के दाने तो बनते ही है ना मटर की फली में, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन फ्लावर तो कभी ओपन ही नहीं हुआ, तो अपना ही मेल गैमेट अपने फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर रहा है, तो यानी कि वो यूनिपेरेंटल होके भी क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो पी किसके एग्जाम्पल में आएगा, इसमें यूनिपेरेंटल में आपको अगर आप लेना है दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के, मेल फीमेल अलग अलग है तो कोई इश्यू नहीं है, बट आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर है, मैं साइन बना दे रहा हूँ, अगर कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर है और सेल्फ पॉलिनेशन का केस हो, तो ये यूनिपेरेंटल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया कि हमेशा बाई पैरेंटल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मत याद रखिए, या यूनि पैरेंटल से ए सेक्सुअल मत याद रखिए। यूनि पैरेंटल में बाई सेक्सुअल फ्लावर और अगर सेल्फ पॉलिनेशन का केस है तो यूनि पैरेंटल आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट तो बनते ही है,
पे लिखा है गैमीट, टिक लगा दिया, मतलब गैमीट सर फॉर्म। ए सेक्शन में गैमीट बनते हैं क्या? ऑप्शंस हैं भाई, नहीं बन सकते हैं। आप ऐसे सोच के देखो, पार्थिनोजेनेसिस भी तो होती है, अनफर्टिलाइज एग यानी कि गैमीट, जिससे आप इंडिविजुअल बना रहे हो। तो आपने गैमीट बनाया लेकिन अनफर्टिलाइज है, मतलब फ्यूजन नहीं है। तो ए सेक्शन में गैमीट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। गैमीट्स फॉर्म या नॉट फॉर्म, दोनों ऑप्शन है। और जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनते कैसे हैं, डिवीजन कौन सा होता है? आइदर बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस। तो या तो माइटोसिस से गैमेट बनेंगे या फिर मियोसिस से गैमेट बनेंगे, दोनों से बन सकते। लेकिन अगर नहीं बने तब तो कोई इशू ही नहीं है, बट अगर बन गए तो फ्यूजन कभी नहीं होगा, है ना? नो गैमेटिक फ्यूजन। और ये लाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनता है सेक्सुअल एसेक्सुअल को डिफरेंशिएट करने। अगर किसी प्रोसेस के अंदर गैमीट बने और फ्यूज नहीं हुए तो ये सेक्सुअल है ही, है ना? और अगर गैमीट ही नहीं बने तो भी ये सेक्सुअल है, बट अगर गैमीट बन गए और फ्यूज हो गए तो 100% सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। और गैमीट्स माइटोसिस से भी बनते हैं, मियोसिस से भी बनते हैं। याद करो एल्गी, एल्गी में या ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी यानी हैप्लॉइड, और अगर हैप्लॉइड है तो वह एंप्लॉयड या एग कैसे बन रहा है? बाय माइटोसिस बन रहा है। जिम्नोरेंजियम में प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड यानी स्पोरोफिटिक है। वहां माइक्रो और मेगास्पोर कैसे बन रहे हैं? बाय मियोसिस बन रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस रिस्पेक्टिवली इन स्टैमेन एंड बैक्टीरिया। इसका मतलब ये हुआ कि गैमेट्स बनने के हिसाब से दोनों ऑप्शंस के साथ हैं, ठीक? माइटोसिस में उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर बन गया और फ्यूज नहीं हुआ तो ए सेक्शुअल, नहीं बना तब तो है ही ए सेक्शुअल, और अगर बन गया और फ्यूजन हुआ तो सेक्शुअल। यही बेसिक डिफरेंस आएगा। अगर फ्यूजन नहीं हुआ यानी कि कुछ नया नहीं आया, कुछ नया नहीं आया तो यहाँ पे जो प्रोजेनी बनेगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ये नेक्स्ट जनरेशन क्या कहलाती है? इसको बोलेंगे आप क्लोन। क्लोन समझते हैं? क्लोन्स कैसे होते हैं? जेनेटिकली जेनेटिकली जीन्स के हिसाब से कोई चेंज नहीं करना, जेनेटिकली आइडेंटिकल। वेरिएशन अगर आया भी क्लोन में तो कैसे आएगा? एनवायरमेंटल होगा, सोमैटिक वेरिएशन होगा, जर्मिनल वेरिएशन नहीं होगा। जीन्स के हिसाब से कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजेनी होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है टू द पेरेंट एंड अमंग ऑल द ऑफस्प्रिंग्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्लोन। और वो एसेक्सुअल में काउंट किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स या हाइब्रिड्स कहलाते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स या हाइब्रिड्स। सर हाँ, ये मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे? जीन्स है तो मॉर्फोलॉजी एवेरियंस कहलाता है। मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट हुआ कि जेनेटिकली तो जीन्स एक जैसे होंगे, फिर उनका एनवायरमेंटल यानी जो स्टिमुलस है वो भी एक जैसा होना चाहिए, तो ही मॉर्फोलॉजी एक जैसी आई है। कई बार जेनेटिकली तो आइडेंटिकल होते हैं बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होते। ओके सर, एनसीईआरटी में तो डेफिनेशन ही ऐसे दे रखे हैं कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। हाँ, वो इस तरीके से दे रखी है बाय कंसीडरिंग दैट, कि अगर आप जीनोटाइप ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग टू दैट जीनोटाइप इट मस्ट बी ए फीनोटाइप। कोई ना कोई फीनोटाइप तो हो गई होगा। फीनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजी और जीनोटाइप मतलब जेनेटिक्स। तो अगर ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई टॉल वाला, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई कैपिटल टी वाला जीन है, तो प्लांट टॉल ही होगा। लेकिन या मान लीजिए पर्पल कलर का फ्लावर है तो कैपिटल बी है तो फ्लावर पर्पल ही होगा, क्योंकि वो जीन्स प्रेजेंट है तो उसका एक कलर यानी उसका एक मॉर्फोलॉजी या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा। बट देर आर द फ्यू केस जहाँ पे एनवायरमेंट की वजह से ये एक्सप्रेशन बदल सकता है। पिंक तो आएगा लेकिन पिंक में मोजैक पिंक आ गया, लाइट पिंक आ गया, पैचेस में पिंक कलर डेवलप हो गया,
तो मींस मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है। तो कुछ केस ऐसे हैं जहां पे आप मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं बोलते, नॉर्मल केस में बात करेंगे तो जीन्स एक है तो मॉर्फोलॉजी भी एक ही होगी। सर हाँ बेटा, सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड मॉर्फोलॉजी आइडेंटिकल, अगर बोथ करके लिखा हुआ है तो बोथ कर दीजिएगा फिर तो आंसर। ओके सर, इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलस है वो केवल तभी काम करता है जब पॉलीजेनिक केस आता है। पॉलीजेनिक केस में इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आर मोर सिग्निफिकेंट। अगर मोनोजेनिक इनहेरिटेंस होता है जो मेंडल वाला था तो उसमें इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता, जीन सेम तो मॉर्फोलॉजी सेम। अगर पॉलीजेनिक है तो जीन सेम मॉर्फोलॉजी विल नॉट बी सेम। हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगा बाकी की चीजें कैसी। इसलिए मैंने जेनेटिकल आइडेंटिकल हमेशा वर्ड रहेगा, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल आप लिखें या ना लिखें दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जांपल, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जिस टाइप का इनहेरिटेंस होगा उस हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया। एग्जाम्पल आप समझ ही सकते हैं, आपको तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है पहले से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ मिलेगा? इन लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिखोगे, आपको याद हो तो मोनेरा में ये सेक्सुअल आपने पढ़ा, प्रोटिस्टा में ये सेक्सुअल आपने पढ़ा, फंगी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है मैंने, और प्लांटी में एल्गी में भी आपने ये सेक्सुअल पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा है, टेरिडोजम में भी कुछ आपने पढ़ा है, एनजीओ में आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी पढ़ा है, प्लांट के ये सारे हो गए, एनिमल्स में आपने यहाँ भी जो पढ़ा हो, एनिमल्स में बडिंग तो हाइड्रा में होती है आप जानते ही हो, स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स होते हैं है ना पूरी तरह में, वो भी आप जानते ही हो, और भी बहुत से एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको मिल जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी डिप्लॉइड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा कुछ मोनेरा तो हैप्लॉइड होता है, बैक्टीरिया तो सारे हैप्लॉइड होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको कहाँ मिलेगा? इन हायर ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि लोअर में नहीं मिलेगा, लोअर में ये भी है ये भी है। कॉमन लोअर में कौन सा होगा? एसेक्सुअल, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाता है बिना किसी रिक्वायरमेंट के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, तो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आप मान लीजिए सेक्सुअल और लोअर में मान लीजिए एसेक्सुअल। लोअर और हायर को डिफाइन करना पड़ेगा, कि मैंने सिर्फ जर्नलाइजेशन लिखा हुआ है, आप अगर अलग अलग करके लिखोगे तो ही राइट आंसर बनेगा। अलग अलग करके कैसे लिखने वो आगे हम बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट आएगा आपकी बुक के हिसाब से मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे कैसे होता है याद करो, बस एक रैपिड रिवीजन रिकॉल करिए कहां से कहां तक। सेल का डिवाइड करना भी एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन है, आपको मैंने ग्रोथ में पढ़ाया था ये बात। सेल डिवीजन इज सिनोनिमस विद द रिप्रोडक्शन, है ना। ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज सिनोनिमस विद देयर रिप्रोडक्शन, ये आपने लिखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल का है तो उसकी अगर सेल भी डिवाइड हो रही है, अगर ग्रोथ भी हो रही है बाय द डिवीजन ऑफ सेल, तो बीवी बेसिकली उसका मतलब ये है कि वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। नंबर इंक्रीज करना मल्टीप्लाई करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, तो सेल डिवीजन भी एक तरीका हो सकता है। एग्जाम्पल में इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब दूसरा याद करिए, फिर हमने क्या पढ़ा था? बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में पढ़ा था, फिर सबसे कॉमन प्रोकैरियोट का मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है? बाइनरी फिशन। प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से मैंने आपको अलग अलग पढ़ाए थे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है ना, ऑब्लिक बाइनरी फिशन है, और इसके अलावा एक एसिमेट्रिक भी होता है। इनके एग्जांपल याद है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिना यस, एंड ये हो गया यूग्लिना। ऑब्लिक का एग्जांपल
अमीबा? नहीं, अमीबा में तो एसिमेट्रिक होता है, अमीबा का तो कोई शेप ही नहीं होता। ये लोग अमीबा यहाँ लिख लेते हैं। ऑब्लिक का एग्जाम्पल याद करो, मैंने पढ़ाया है आपको कहीं, ऑब्लिक बाइनरी फिशन, ये था डायनोफ्लैजिलेट्स में। डायनोफ्लैजिलेट्स आपने पढ़े थे प्रोटिस्टा में। और इन जनरल अगर आप बैक्टीरिया यानी मोनेरा लिखोगे तो भी, या इसके अलावा कोई और भी लिखोगे, इन तीन के अलावा कुछ और लिखोगे तो वो ट्रांसवर्स ही आएगा। मेजोरिटी ऑफ द केस में जो बाइनरी फिशन का प्लेन ऑफ डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स। तो बैक्टीरिया हो गया, अगर आपसे कहा जाए कि डायटम्स एंड डेस्मिड्स क्राइसोफाइट्स पढ़े थे उसमें कैसा होगा तो ट्रांसवर्स होगा। आपसे कहूँ कि पैरामीशियम में कैसा होगा तो ट्रांसवर्स होगा, प्लेनेरिया में भी? प्लेनेरिया में भी ट्रांसवर्स ही होगा। तो जो एक्सेप्शन थे वो नीचे लिखे हुए हैं, यूग्लिना में, लॉन्गिट्यूडनल डायनोफ्लैजिलेट्स में, ऑब्लिक अमीबा में, एसिमेट्रिक। इसके अलावा नॉर्मली आपसे जो भी पूछा जाएगा दैट ऑल कम्स अंडर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक से दो बनते हैं, अगर दो से ज्यादा बन जाए तो क्या कहलाता है, मल्टीपल फिशन कहलाता है। मल्टीपल फिशन का मतलब है कि एक सेल एक से ज्यादा चीजों में, एक से ज्यादा सेल्स में टूट जाए। अब मल्टीपल फिशन किस में आपने पढ़ा था, ये था मलेरियल पैरासाइट में, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जीनस है ना मलेरिया का जो पैरासाइट था, उसमें मल्टीपल फिशन का केस रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा बडिंग लिख सकते हैं, बडिंग एक सेल की भी होती है, यूनिसेलुलर बडिंग कई सारी सेल की भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर बडिंग के एग्जांपल में क्या था, ईस्ट, ईस्ट में सिंगल सेल होती है और बडिंग हो जाती है। मल्टी सेल की बडिंग में एग्जांपल क्या आएगा, हाइड्रा, हाइड्रा होती है। तो करना है आपको, और क्या क्या पढ़ा था फटाफट कर लो। एंडोस्पोर फॉर्मेशन पढ़ाया था, एंडोस्पोर किस में बनता है, बैक्टीरिया में था ना, है ना, मोनेरा में। आप एग्जांपल ढूंढोगे वहां पीछे तो बैसिलस बैक्टीरिया था, बैसिलस एंथ्रेसिस जो एंडोस्पोर बनाता है, लैक्टोबैसिलस जो एंडोस्पोर बनाता है ना, और क्लॉस्ट्रिडियम जो एंडोस्पोर बनाता है। तो सो मेनी बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं, है ना। ये आपने जेम्यूल्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो यहाँ पे बुक में दे रखा है, स्पॉन्जेस में होते हैं, पोरीफेरा में। जर्म्यूल्स के थ्रू मल्टीप्लीकेशन होगा तो स्पॉन्जेस आपको याद रखना है। डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन की कोई बहुत लंबी लिस्ट है। क्या क्या लिस्ट है स्पोर फॉर्मेशन की, मैं लिख नहीं रहा, याद होगा आपको। डायग्राम जरूर देख लीजिएगा एक बार, 11th के एनसीआरटी से भी डायग्राम देख लीजिएगा, 12th के एनसीआरटी से भी देख लीजिएगा, डायग्राम वही बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए स्पोर फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर हम फंगी की बात करें तो आपने जू स्पोर पढ़ा था। जू स्पोर के डायग्राम अब आप देखोगे तो यहाँ भी बने हैं 12th के एनसीआरटी के चैप्टर में, 11th के एनसीआरटी में भी जू स्पोर आपने पढ़े थे। जू स्पोर एल्गल फंगी में थे और ग्रीन और ब्राउन एल्गी में थे, है ना। फेवरेबल कंडीशन में मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड जूस्पोरेंजियम, काफी सारा डिस्क्रिप्शन था हमारा लंबा चौड़ा। जूस्पोर के अलावा क्या लिखा था आपने, कोरिडियो, ये पहले लिखा था आपने ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर आपने लिखा था, ये क्या लाएंगे, है ना। अब ए प्लानोस्पोर कहाँ बनते हैं, ये भी आपने लिखा था फंगी में। जूस्पोर के बाद स्पोर एंजियोस्पोर्स या ए प्लानोस्पोर्स लिखाए थे, तो यहाँ पे भी आपने लिखा था कॉन्जुगेशन फंगी जैसे राइजोपस है उसमें ये बनते हैं, तो भी आपको लिखा है कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर, एस्कोबैसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज की क्लास में आपको कोनिडिया मिलेगा। और मोनेरा में जो आपको मैंने एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ाया था, रे फंगी, माइसिलियल बैक्टीरिया, उसमें भी आपको ये कोनिडिया मिलेंगे, तो वहाँ भी ये कॉमन था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एकाइनिट्स पढ़ाए हैं मैंने, एकाइनिट्स कहाँ पे थे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के फिलामेंट्स में थे जो मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, जब ये छूट जाएंगे तो जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देंगे। तो और भी बहुत सारे हैं, अगर आप पक्सिनिया एक प्लांट है, एक फंगी है,
एग्जाम्पल की बात अगर करेंगे तो उसमें पांच अलग अलग तरीके के स्कोर बनते हैं एक ही टाइम पे, मतलब एक ही लाइफ साइकिल में फाइव डिफरेंट टाइप के स्कोर्स बनते हैं। वो भी नाम है यूरोडो स्कोर, कैलिटो स्कोर, आपको एस्को स्पोर्ट्स, बैसीरियो स्पोर्ट्स याद होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपने बनाए थे। अब हमारा यहाँ टॉपिक क्या है, यहाँ टॉपिक हमारा है मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्पोर लिख दोगे, आपको वो स्पोर लिखने हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए लिखा कि एस्को स्पोर, ठीक है स्पोर फॉर्मेशन में एस्को स्पोर भी आ जाएगा, बैसीरियो स्पोर भी आ जाएगा, लेकिन ये तो ध्यान रखना है ना कि एस्को और बैसीरियो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, और जबकि ये जो आप लिख रहे हो ये ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स का कॉलम है ना, तो इसमें ये डिफरेंस याद रखें। एक नाम दे दिया गया बुक में, ऐड कर दिया गया 2 साल पहले ही ऐड किया गया, एक वर्ड था इंसिस्टेशन, सिस्ट का बनना, एंड स्पोरुलेशन। ये दोनों टर्म्स इसके एग्जांपल में बुक में लिखा है अमीबा। तो अब यहाँ पे क्या है, इंसिस्टेशन का मतलब, सिस्ट का मतलब होता है हार्ड स्ट्रक्चर। तो जो अमीबा होता है वो क्या करता है, वो जब एडवर्स कंडीशन आती है तो अपने चारों तरफ एक सिस्ट यानी एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, और उस प्रोसेस को बोल देते हैं सिर्फ इंसिस्टेशन। कि सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, एक हार्ड रेजिस्टेंट कवरिंग बना दी गई जो अमीबा को सराउंड कर लेती है, तो सिस्ट बना दिया तो इंसिस्टेशन हो गया। सिस्ट जब बनेगा तब तक अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तब तक कोई नंबर नहीं करेगा, ये केवल अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन करने की स्ट्रेटेजी है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन पास ऑन हो गई, ये सिस्ट की वॉल जो है वो टूट जाएगी और अमीबा डिवाइड करेगा नॉर्मली, बाइनरी फिशन से करे, मल्टीपल फिशन से करे, जो नॉर्मल मोड ऑफ डिवीजन है उसी से डिवाइड करेगा और प्लांट बनेगा, इसका कुछ नहीं होगा। जो सिस्ट बनी है, सिस्ट की जो वॉल है वो छूट जाएगी। तो ये याद रखना है कि अमीबा में इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन है, बट इंसिस्टेशन बेसिकली पेरिनेशन मतलब डोरमेंसी या एडवर्स कंडीशन को पास ऑन करने का तरीका है, जबकि स्पोरुलेशन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। तो ये सारे ऑप्शंस भी आप ढूंढ के ला सकते हैं, और भी इसके अलावा ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे इसके अलावा, जैसे मान लीजिए आप सोचो कि आपने मोनेरा पढ़ रहे होते, तो मोनेरा में बाइनरी फिशन और एंडोस का पढ़ाया था, दोनों कवर अप हो गए, फाइनलाइजेशन भी हो गया, एंड्रॉइड स्कोर भी हो गया। फिर प्रोटेस्टा था, तो प्रोटेस्टा में क्या आएगा, राइसोफाइट्स आएंगे, एनोफ्लाजेलेट्स आएंगे, है ना, यूग्लिना आएंगे, तो इन सब में तो आपने बाइनरी फिशन ही पढ़ा था और तो कुछ था नहीं। स्लाइम मोल्ड आएगा, स्लाइम मोल्ड में आपको याद हो तो वहां भी आपको लिखा था कि फ्रूटिंग बॉडी बनेंगी और एडवर्स कंडीशन में वो स्पोर बनाती है, बस वो बात अलग है कि वहां फ्रूटिंग बॉडी या जो स्पोर फॉर्मेशन है वो एडवर्स कंडीशन का स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको वो याद रखना है कि स्पोर फॉर्मेशन को प्रोटिस्टा के अंदर भी मिल जाएगा। फिर फंगी आएगी जहाँ बहुत कुछ है, फंगी में चार क्लासेस थी, तो अगर उसमें हम पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज ले लें जो एल्गल फंगी है, तो उसमें जूई स्पोर बनेगा मोटाइल स्टेज में, या ए पेनोस्पोर बनेगा नॉन मोटाइल स्टेज में। बाकी कहने को उसमें पामेला स्टेज भी बनती है, और भी डिफरेंट ऑप्शन है, सिलेबस में लिख लिए छोड़ दी। फिर दूसरी क्लास हमारी आती है एस्कोमाइसिटीज, वहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहाँ होता नहीं, मतलब एस्को स्पोर हम अभी यहाँ काउंट कर नहीं रहे। तीसरा था हमारा बैसिडियोमाइसिटीज, उसमें भी आपने कोनिडिया लिखा था, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी आपने कोनिडिया लिखा था। ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने जो मोनेरा में आपको पढ़ाई थी एज ए साइनो बैक्टीरिया, उनमें आपने एकाइनीट्स लिखा हुआ है, जहाँ भी एकाइनीट्स बना है वहाँ पे आप चेक कर सकते। जब एल्गी आएगी तो सिंगल सेल की एल्गी के फॉर्म में भी अगर आप देखोगे तो भी आपने पीछे लिखे थे कि वो भी इमॉर्टल होती है, तो सिंगल सेल की अगर एल्गी है तो उनके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन आ ही जाएगा, और अगर मल्टी सेल की एल्गी है तो क्या ऐड हो जाएगा, अब आपके पास ये ऑप्शन आ गए फ्रेगमेंटेशन, कि आपने टुकड़े कर दिए तो फ्रेगमेंटेशन से भी जो है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एल्गी आ गई, मल्टी सेल वाली एल्गी आ गई, आपको ब्रायोफाइटा याद हो तो उसमें भी आपने लिवर गॉट और मॉस में फ्रेगमेंटेशन लिखा था, और टेरिडोफाइटा में फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं था, जिम्नो और एनजीओ में भी फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं था, तो फ्रेगमेंटेशन लिख सकते हैं। अगर ब्रायोफाइट से याद करोगे तो उसमें आपको बताया था स्पेशलाइज कप लाइक स्ट्रक्चर है गैमी, जो मार्केशिया में प्रेजेंट है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम पूरा करते हैं, या फिर एक आपने पढ़ा था प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा को भी अगर फ्रेगमेंट कर दिए जाए मॉसेस में पढ़ा था, तो भी उसे नंबर ऑफ प्लांट्स आप बना सकते हैं, तो वो वाली बातें यहाँ आ जाएंगी। मार्केशिया या इस क्लास में लिवरवर्ट में आपको एक और नाम लिखाया था
वो लिखाया था प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस, उससे भी मल्टीप्लाई करके डिफरेंट टाइप के थैलस बनाए जा सकते हैं। ये हो गए। बाकी फिर आएगा आपका टेरिडोफाइट, उसमें आपने लिखा था कि राइजोमेटा सिस्टम था, राइजोम, और राइजोम अंडरग्राउंड सिस्टम में होता है, वहां से वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी हो जाएगा, वो आप लिख सकते हैं। अब ऐसे मान लो कि आप फ्रेगमेंटेशन और उससे रिलेटेड में आपको क्या लिखना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखना है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ था, सबसे ज्यादा आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ब्रायोफाइट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, थोड़ा सा एनिमल किंगडम पे चलते हैं। एनिमल किंगडम में स्पॉन्जेस में जेम्यूल हो गए और सीलेंट्रेट यानी हाइड्रा के अंदर बडिंग हो गई। इसके बाद अगर आप याद रखोगे तो प्लानेरिया था जिसमें ट्रू रीजेनरेशन था, तो रीजेनरेशन एग्जाम्पल याद कर लीजिए, रीजेनरेशन इन प्लानेरिया। तो ये भी कवर अप हो जाएगा, और मुझे लगता नहीं कुछ और। और बाकी जब आप जिम्नो एनजीओ पहुंचोगे तो वहां पे अगला टॉपिक आ जाएगा, वहां पे एक टर्म यूज किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ रिप्रोडक्शन यूज नहीं करते, यहाँ क्या करते हैं, प्रोपगेशन यूज करते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली विद द केस ऑफ हायर प्लांट। ये आपका टर्म जो है वो हायर प्लांट में ही यूज होगा। बट अगर कैटेगरी देखी जाए तो कैटेगरी आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाती है। ठीक, प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मान लीजिए कोई प्लांट बॉडी जैसे ये एल्गी है, अब मैं आपसे कहूँ कि एल्गी के आपने दो टुकड़े कर दिए, इसको आपने ब्रेक किया तो एक ये हो गया एक ये हो गया। अब नेकेड आई से तो आपको नहीं पता चल रहा कि एल्गी का जो फिलामेंट आपने तोड़ा है वो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई स्ट्रक्चर डैमेज हुआ या नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि नेकेड आई से इसमें कोई रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं दिखाई दे रही है आपको। एल्गी या ब्रायो या लोअर प्लांट्स में जो नेकेड आई है वो रिप्रोडक्टिव एज को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, दैट्स व्हाई वहां पे टर्म क्या आ जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि वेजिटेटिव मतलब सोमैटिक और मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिप्रोडक्शन। बट अगर मान लीजिए मैं एक एंजियोस्पर्म बना दूं, ये एंजियोस्पर्म है तो ये रूट्स हो गई, ये स्टेम हो गया, या लीफ हो गई फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आगे कहीं ब्रांच है तो उस पे जाके यहाँ पे फल आ गया, यहाँ पे फ्रूट आ गया। अब इस केस में अगर कहा जाए तो क्या आएगा, यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज प्योरली बाय मीन्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट, या तो रूट को मल्टीप्लाई करोगे या स्टेम को मल्टीप्लाई करोगे या आप लीफ को मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टूड है कि फ्लावर से मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ऐसा दुनिया का कोई प्लांट नहीं है जिसको फ्लावर को तोड़ के लगा दो तो बहुत सारे प्लांट बनते हैं। तो फ्लावर से कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, फ्रूट से कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, और उसके बाद जो आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, सीड से कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। किसी भी प्लांट में सीड को काट के, फ्लावर को काट के, फ्रूट को काट के आप नंबर इंक्रीज नहीं करते, बट रूट स्टेम या लीफ को काट के आप नंबर जरूर यूज करते हैं। ये आपका बन गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन और ये बन गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये दो रिमार्केबल डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच। अब हमें एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड हमें इसी पोर्शन को करना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन हायर प्लांट्स। इसी को डिटेल में देखते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर हायर प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कंप्लीट है। ठीक है, आगे ये आएगा, इसको एक ऐसे लेआउट में बना लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये दोनों तरीके से होता है, मतलब देयर आर फ्यू नेचुरल मेथड्स, प्राकृतिक तरीके भी हैं, या कुछ आर्टिफिशियल मेथड। इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन हायर प्लांट, जिन प्लांट पार्ट को यूज करोगे वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहलाते हैं, है ना। नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं, मॉर्फोलॉजी रिवाइज कर लो, कैसे होता है, बाई रूट, थकान हो गई, बाई रूट में याद करो, बताओ एग्जाम्पल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई टैप रूट,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एडवेंटिशियस डाल रूट, लिया। ठीक है। आगे एडवेंटिशियस में यहाँ तो एग्जांपल ठीक है, डहलिया एंड स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, यस। बस रिवाइज ही करना है आपको एक तरीके से, और भी है तो देख लीजिएगा पीछे। इस टाइम चार तरीके पढ़े थे आपने, नहीं तीन तरीके पढ़े थे, एक क्या था अंडरग्राउंड स्टेम, एक एरियल स्टेम और एक सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड भी चार ऑप्शन थे है ना, टर्मरिक, हाँ मतलब पहले कैटेगरी, सेमिकन, कोलोकेशिया, हाँ एक राइजोम था, एक बल्ब था, एक ट्यूबर था और एक कॉर्म था। अब इनके एग्जाम्पल थे, राइजोम किसमें था, राइजोम का जिंजर, एग्जाम्पल, हाँ जिंजर, जिंजर। राइजोम का। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको किसके देने हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। यूजुअली आप गलती का मतलब कर देते हैं गलती, हमको ये याद है कि मॉर्फो, हम आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि राइजोम क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि राइजोम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें होता है। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें राइजोम प्रेजेंट है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होगा ही होगा बाई राइजोम, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि राइजोम में आप क्या लिखोगे, जिंजर टर्मरिक इनमें है, हल्दी और अदरक को लगाने का तरीका यही है। बल्ब के एग्जाम्पल में मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई बल्ब, अनियन, नहीं यही तो गलत हुआ, अनियन नहीं बोलना है, अनियन और गार्लिक में बल्ब तो गार्लिक, है, गार्लिक भी नहीं आएगा, अनियन और गार्लिक में बल्ब तो है बट उससे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। अनियन और गार्लिक के प्लांट सीड से लगाए जाते हैं, बल्ब से नहीं लगाए जाते। अगेव, लिली, ये सब लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा अगेव, लिली, अगर मॉर्फोलॉजी वाला याद है तो उसको भी मैंने लिखाया था, एक्सेप्ट द बल्ब ऑफ अनियन एंड गार्लिक ऑल सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अब देखो मॉर्फोलॉजी के नोट्स में लिखी होगी नहीं, तो अनियन एंड गार्लिक में बल्ब है लेकिन अनियन और गार्लिक के बल्ब से वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो, जिससे प्रोपगेशन भी होता है, और कॉर्म के एग्जाम्पल में एलोकेसिया, कोलोकेसिया, कुछ भी लेते हैं, एलोकेसिया है, कोलोकेसिया है या एमॉर्फोफैलस है, एमॉर्फोफैलस जीनस, अगेव भी जीनस, ठीक है। एरियल में चार तरीके के स्टेम थे, कौन कौन से, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, बताओ एग्जाम्पल। रनर में ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, यस, ग्रास था, स्ट्रॉबेरी था, एक और था याद से, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस है ना, ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है कम से कम वो तो टिप्स पे होने चाहिए। सकर के एग्जाम्पल, क्राइसैंथेमम, पाइनएप्पल, बनाना, हाँ बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम, तीन एग्जाम्पल थे। ऑफसेट का एग्जाम्पल इकॉर्निया, आइकॉर्निया पिस्टिया है ना, दो एग्जाम्पल। एस्टिया, और स्टोलन में जैस्मिन, जैस्मिन था और मिंट और मिंट, जैस्मिन, मिंट मिंट, मिंट और जैस्मिन था। मैंने एक वाइल्ड स्ट्रॉबेरी फ्राइगेरिया अलग से लिखा है, तीन लिखा है। अब उसमें तो आपने एक लाइन लिखी थी कि ऑल सर्वेस, तो यहाँ तो कोई सर डाउट ही नहीं है, जितने भी है ये सब के सब प्रोपगेशन करते हैं। बोलो बेटा, स्ट्रॉबेरी एग्जांपल स्टोलन एंड रनन का दोनों है, स्ट्रॉबेरी में अगर वाइल्ड स्ट्रॉबेरी जिसका जीनस फ्राइगेरिया है वो स्टोलन में आएगा, सिंपल स्ट्रॉबेरी है तो वो रनर में जाएगा, है ना। आपसे आपसे जब वाइल्ड स्ट्रॉबेरी या फ्राइगेरिया लग करके पूछा जाएगा तो आंसर आपको स्टोलन देना है, सिंपल स्ट्रॉबेरी पूछा जा रहा है तो इसका मतलब आपको रनर करना है। तो यहाँ तो सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय सब एरियल स्टेम में एग्जाम्पल क्या लिखा था याद करो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय सब एरियल स्टेम, सॉरी सब एरियल तो यही थे, एरियल स्टेम, ये सब एरियल है। एरियल में क्या एग्जाम्पल था, शुगर केन है ना, शुगर केन का स्टेम एरियल होता है और उसको हम काट काट के लगाते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम अगर आएगा तो शुगर केन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय सब एरियल स्टेम आएगा तो ये रनर्स अगर ऑफसेट स्टोलन वाले आएंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम आएगा तो राइजोम बल्ब ट्यूबर सकर कॉर्म, ये सब चीजें आ जाएगी।
आपने बाई लीफ भी पढ़ा हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई लीफ, बताओ एग्जांपल क्या था? बिगोनिया बिगोनिया नहीं था बेटा, यहाँ पे तो आपने ब्रायोफिलम पढ़ा था, आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, ब्रायोफिलम है, या फिर एक प्लांट और है कलंचू, KALANCHOE, कलंचू। तो कलंचू और ब्रायोफिलम दोनों जो है वो लीफ के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे नया दे रखा है बाई बल्बिल, बल्बिल का डायग्राम भी एनसीईआरटी ने बनाया है। बल्बिल कंडेंस शूट्स होती हैं, बड होती हैं कंडेंस, जिनको तोड़ के आप एक नई जगह लगाओगे तो नए प्लांट्स बन जाएंगे। और यहाँ पे भी एग्जांपल जो दिया है वो अबेब दिया हुआ है, या कैक्टस में भी होता है। सो दीज आर द कैक्टस, दीज आर द फ्यू केस जहाँ पे आपने नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े, रूट स्टेम लीफ और बल्बिल, चार याद रखें। जहाँ तक आर्टिफिशियल मेथड्स की बात है, इसमें से कुछ सिलेबस में है नहीं ज्यादा, आप नाम से जैसे एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल का मतलब जो हम करेंगे, ये नेचर नहीं करती, हमें अपनी जरूरत लगेगी तो हम वेजिटेबली प्रोपोगेट करेंगे, जैसे कटिंग होती है, आप रोज में कलम लगाते हैं, कटिंग मतलब कलम लगाना, बोगनविलिया की डंडी तोड़ के लगा दी, नाइट जैस्मिन की डंडी तोड़ के लगा दी, गुड़ैल की डंडी को तोड़ के लगा दीजिए, प्लांट बन जाएगा। तो कट करके आप जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हो, कट करने में जिस पोर्शन को कट करोगे वो स्टेम भी हो सकता है, वो लीफ भी हो सकती है, इवन दो वो रूट भी हो सकती है, तो डिटेल में नहीं जाना, बट कटिंग एक तरीका है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, दूसरा कटिंग के बाद और क्या हो सकता है, एक कहलाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि ग्राफ्टिंग में एक हमारा पैरेंट प्लांट होता है जो रूटेड होता है, इसकी जड़ें जमीन में होती है, वो तो फिक्स रहता है, इसके ऊपर हम अपने डिजायर्ड करेक्टर वाला जो प्लांट होता है वो ग्राफ्ट कर देते हैं, जो डिजायर्ड मतलब जिसमें जो हमें चाहिए। रूटेड प्लांट जो होता है वो उसमें कोई डिजायरेबल करेक्टर नहीं है, वो तो वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि रूट सिस्टम हेल्दी होगा तो बनने वाला प्लांट अपने आप सेफ रहेगा। तो रूटेड प्लांट जो स्टॉक बोला जाता है, स्टॉक को हेल्दी रखना है, ऊपर जो आप ग्राफ्ट करोगे वो अलग अलग ला सकते हैं। जैसे आपने कभी सुना हो तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दे रखा है कि मैंगो की 51 वैरायटीज ऑन ए सिंगल ट्री पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मलियाबाद लखनऊ में, वहाँ पे एक आम का पेड़ है जिसपे 51 वैरायटीज के मैंगो एक साथ आते हैं। बैंगलोर में रोज गार्डन है जहाँ पे 14 वैरायटी के रोजेस, 14 कलर के रोज एक रोज के प्लांट पे है, एक ब्रांच पे लाल गुलाब है, एक पे पीला गुलाब है, एक पे सफेद है, ऐसे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का एक क्वेश्चन आपको एनाटॉमी में भी कराया था, मिल जाएगा, नहीं तो आज रिकॉल कर लीजिए कि ग्राफ्टिंग मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं होती। उसका रीजन होता है कि मोनोकॉट में जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड होते हैं, और बंडल अगर बंडल से नहीं जुड़ेगा बाय द कैम्बियम तो फिर वो प्लांट जुड़ेगा कैसे, ग्राफ्ट करने के बाद उसकी टिश्यू की ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं होती, ग्राफ्टिंग डाइकॉट के अंदर आसानी से हो सकती है। तीसरा क्या कहलाता है, तीसरा एक मेथड होता है लेयरिंग, है ना, जैसे अमरूद के ट्री में, गुआवा ट्री के अंदर या जैस्मिन प्लांट के अंदर लेयरिंग करते हैं, बूटी फॉर्मेशन होता है। हालांकि ये तीनों एग्रीकल्चर में या जो आप कह सकते हैं जो गार्डनर प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसमें जो चौथा दे रखा है वो आपके सिलेबस में है और वो किसी और चैप्टर में है, माइक्रो प्रोपगेशन, जिसको आप प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं, और ये दे रखा है स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो आर्टिफिशियल में चार मेथड हैं जिसमें से एक की डिटेल दे रखी है बट किसी और चैप्टर में है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नॉर्मल जो है वो नेचुरल मेथड्स आपको मैंने बता दिए, है ना। तो ये हमारा सारा एसेक्सुअल के बारे में हो गया। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि आपका मेन तो वही आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड ब्रेक की बात पढ़ लें, नेक्स्ट आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एज के हिसाब से आपका पहला टॉपिक आएगा आई थिंक फेजेस करके दे रखा है बुक में, फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फेजेस ऑफ सेक्सुअल।
ये पढ़ना है आपका टॉपिक। सुधीर ने बाय बोल दिया। अच्छा ठीक है, चलो अगली क्लास में 15 मिनट बात करते हैं।